जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम केस स्टडीज लेके आएंगे अपने YouTube चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो हम केस स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी ही इन्फोटॉक्स की वेबसाइट से या इससे रिलेटेड प्लेटफॉर्म से। तो इस केस स्टडी में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप इन्फोटॉक्स के बारे में। इन्फोटॉक्स की वेबसाइट हमने क्रिएट की थी लगभग एक साल पहले। तो एक साल पहले जब हमने ये वेबसाइट क्रिएट की थी तो हमारा आइडिया ये था कि हम आप लोगों से जो भी कुछ हम सीखते हैं या फिर हमारे एक्सपीरियंस हैं उसके बारे में शेयर करें, तो उसको हम शेयर करना चाह रहे थे ब्लॉग के जरिए और साथ ही में बनाया था हमने यूट्यूब चैनल। तो इस वेबसाइट के ऊपर हमने ज्यादा कुछ काम नहीं किया, सिर्फ इसके ऊपर हमने कुछ ब्लॉग्स डाले, कुछ अच्छा कंटेंट डाला जो कि काफी रिसर्च और एक्सपीरियंस से हमने क्रिएट किया। अगर आपने अभी तक ये ब्लॉग नहीं पढ़ा है तो इस ब्लॉग को जरूर देखिए जा करके। बट जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते गए हमारे पास काफी सारे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आते गए। ऑल दो डिजिटल मार्केटिंग हम अप्लाई कर रहे हैं अपने ही सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट्स में या फिर कुछ हमारे ऐसे स्पेसिफिक क्लाइंट्स हैं जो कि ओवरसीज क्लाइंट्स हैं उनके लिए हम करते आ रहे हैं काफी सालों से डिजिटल मार्केटिंग। बट डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी इन इंडिया हमने कभी नहीं सोचा था। जैसे कि हमारे पास प्रोजेक्ट्स आने लगे इन्फोटॉक्स में डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, वैसे वैसे हमने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सर्विस देनी शुरू की और वो सारी सर्विसेज हम करवा रहे हैं हमारे ही स्टूडेंट्स के जरिए। जी हाँ, हमारे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्सेज हैं और उन कोर्सेज को जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं और उसमें अच्छा करते हैं उन्हीं से हम वो सारे अपने क्लाइंट्स की सर्विसेज, चाहे वो SEO हो, एड रनिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, कंटेंट राइटिंग हो, वो सारी चीजें हम करवाते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप चाहें तो आप भी उस कोर्स को ज्वाइन करके ये अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास काफी सारे प्रोजेक्ट्स आने लगे हैं तो इन प्रोजेक्ट्स को हम इनडायरेक्टली अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको आउटसोर्स कर देते हैं, उससे उनका भी बेनिफिट होता है एंड डेफिनेटली जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको भी एक बेहतर कॉस्ट के अंदर बढ़िया डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस मिल पाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इन्फोटॉक्स की पुरानी वेबसाइट के बारे में, मैं उसको दिखाऊंगा कि किस तरह की हमारी पुरानी वेबसाइट थी। ऑल्दो जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक हमारी नई वेबसाइट आ चुकी होगी, तो अगर आप करेंटली जाकर के इन्फोटॉक्स की वेबसाइट विजिट करेंगे तो उसका टोटल जो इंटरफेस है वो चेंज हो चुका है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन्फोटॉक्स की एक साल के बाद क्या ऑनलाइन प्रेजेंस है, यानी कि उसकी DAPA क्या है, क्योंकि हमने इसके ऊपर इसके SEO के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं किया बट हमने इसके ऑन पेज SEO पे काम किया है। तो जो भी रेटिंग आज की डेट में इसके ऊपर है वो है आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग इस ब्लॉग पे जाते हैं, इसको पसंद करते हैं, और दूसरा जो भी हमने इसके ऊपर प्रॉपर ऑन पेज SEO अप्लाई किया है उसकी वजह से आज की डेट में इसकी रेटिंग है। और अब हम इसके ऊपर काम करना शुरू कर रहे हैं, यानी इसका ऑफ पेज SEO शुरू कर रहे हैं और इसको हम रिव्यू करेंगे हर 3 महीने के अंदर कि इसकी क्या प्रोग्रेस हुई और इसकी रैंकिंग कहां तक पहुंची। एंड डेफिनेटली हम इसकी रैंकिंग एक साल के अंदर बहुत ऊपर लेके जाएंगे और इस चीज को इस केस स्टडी इस सीरीज के अंदर हम आपको दिखाते रहेंगे, आपसे डिस्कस करते रहेंगे और सारी स्ट्रेटजीज भी हम डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट इस वेबसाइट को, क्योंकि एक नई वेबसाइट क्रिएट हुई है, इसको मैंने खुद से क्रिएट किया है और इसको किस तरह से मैंने क्रिएट किया, किस तरह से मैंने इसकी प्लानिंग की, क्या सोच करके मैंने इसका थीम डिसाइड किया, किस तरह से मैंने इसको कस्टमाइज किया, ये सारी चीजें इस सीरीज के अंदर स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस तरीके की इन्फोटॉक्स की वेबसाइट का पुराना इंटरफेस था और क्या इसकी डोमेन रैंकिंग है। इसके बाद आगे के वीडियोस के अंदर हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे किस तरह से हमने नई वेबसाइट बनाई, क्या उसके अंदर हमने यूज किया और इसके अलावा भी हम क्या क्या प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, उसके अंदर हम किस तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। बट उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के काम की केस स्टडीज वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं और अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे तो कभी भी वो वीडियोस मिस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे इन्फोटॉक्स का पुराना वर्जन जो कि हमने एक साल पहले लॉन्च किया था और ये बेसिकली एक ब्लॉग वेबसाइट ही है। जैसे कि आप इसको देखेंगे तो आपको इसके ऊपर सिर्फ ब्लॉग्स मिलेंगे। यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज हमने दिए हैं, सब ब्लॉग की हैं। कुछ गिवअवेज और कुछ टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए, वो भी इसके अंदर हमने शेयर किए हैं। आप इसके अंदर ब्लॉग बनाना सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये सारे ब्लॉग्स हैं जो कि होम पेज पे दिख रहे हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रीमियम थीम का यूज़ करके हमने बनाया था। इसके अंदर हमने कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं की थी, तो इसके अंदर कोई ज़्यादा ऐसे एफर्ट नहीं किए थे, क्योंकि बेसिक आइडिया ये था कि आप लोगों से
हम यूजफुल कंटेंट शेयर करें ब्लॉग्स के जरिए, क्योंकि ब्लॉग्स अर्निंग से रिलेटेड हैं, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड हैं, जैसे कि हमने इसके अंदर कैटेगरीज मेंशन की हुई हैं। तो अब हमने ये प्लान किया कि इसको हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट की तरह से डेवलप करें, और इस कंप्लीट वेबसाइट को मैंने खुद से कस्टमाइज़ किया है, और इस पे जो भी चीज़ें हमने की हैं उसको स्टेप बाय स्टेप हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे किस तरह से हमने इस वेबसाइट को कस्टमाइज़ किया और जो इसका नया लुक है वो हम किस तरीके से लेके आए हैं। तो अगर आपने अभी तक इन्फोटॉक्स की वेबसाइट को विज़िट नहीं किया है तो उसको विज़िट कर लीजिए, एंड डेफिनेटली आप अपने रिव्यूज़ शेयर करिए। अगर आप हमसे कनेक्टेड रहने में इंटरेस्टेड हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपके पास न्यूज़ लेटर्स और अच्छे काम के ईमेल्स हमारे थ्रू आते रहें हमेशा। इसके अलावा मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि इन्फोटॉक्स की इस समय एक साल के बाद, जब हमने इसका अभी तक कोई SEO नहीं किया, क्या रेटिंग है। तो ये AHREF की रीडिंग है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि डोमेन रेटिंग 8 है और इतने बैकलिंक्स हैं, रेफरिंग डोमेन्स हैं, URL रेटिंग क्या है। तो ये सारी स्टेटिस्टिक्स बिना किसी SEO को करे हुए हैं। इनफैक्ट हमने इसके अंदर ऑन पेज SEO किया है बहुत अच्छे तरीके से, ऑफ पेज SEO हमने इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं किया है। अब इसके ऊपर हम ऑफ पेज SEO स्टार्ट करेंगे, और इसकी जो भी स्टेटिस्टिक्स हैं, जो भी इसके रिव्यूज़ हैं, वो इसी केस स्टडी के अंदर वीडियो के जरिए हर क्वार्टर यानी हर 3 मंथ्स के अंदर हम आपसे शेयर करेंगे। एंड डेफिनेटली आप एक साल बाद, नेक्स्ट 1 ईयर बाद आप इसको देखोगे कि इसकी जो डोमेन रेटिंग है या जो भी इसकी जो स्टेटस है वेब पे, वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप AHREF यूज़ करना चाहते हैं और आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, तो उससे रिलेटेड लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दूंगा। तो इसमें बेसिकली शेयर्ड बेसिस पे AHREF यूज़ होता है, और इसके अंदर ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। तो आप AHREF को यूज़ कर सकते हैं, ऑल्दो मेरे पास AHREF का प्रीमियम वर्जन है, और उसी के ज़रिए हम अपने क्लाइंट्स और अपनी वेबसाइट्स या कुछ हमारी प्रोडक्ट वेबसाइट्स हैं उनकी भी हम मॉनिटरिंग करते हैं। तो AHREF एक बहुत ही बेहतरीन टूल है, जिससे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता चल जाता है, जिससे कि आप उन कॉम्पिटिटर्स के कहाँ कहाँ बैकलिंक्स क्रिएट हैं, उनका क्या स्टेटस है, उसके हिसाब से आप अपने बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत ईजीली आप उस कॉम्पिटिशन को बीट कर सकते हैं अगर आप क्वालिटी बैकलिंक्स बना रहे हैं और प्रॉपर तरीके से बैकलिंक्स बना रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा हमारी इन्फोटॉक्स की वेबसाइट का पुराना इंटरफेस। अगर आप पहले से उसके ऊपर जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपने उसको पहले भी देखा होगा, और इसकी जो भी डोमेन रेटिंग या रैंकिंग आपने देखी AHREF टूल के जरिए, वो इसकी करंट रेटिंग है, और धीरे धीरे हम इसको ग्रो करेंगे, एंड डेफिनेटली उससे रिलेटेड सारी केस स्टडीज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो इसके अलावा भी अगर आप कुछ और जानकारी चाह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो हमारी अलग अलग सीरीज हैं, वीडियो से रिलेटेड सीरीज हैं, वर्डप्रेस से रिलेटेड सीरीज हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड सीरीज हैं, बिजनेस स्टार्टअप से रिलेटेड सीरीज हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ऐप्स मैंने उसके अंदर बताए हैं, जिनसे डेफिनेटली आप फायदा उठा सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, आप एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी अपने लिए खुद से क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।